गुड मॉर्निंग उदयपुर। आज हमारे ब्लॉग का पांचवा दिन और आई होप कि आप लोगों ने हमारे पिछले चार ब्लॉग देख लिए होंगे और आपको काफी पसंद भी आए होंगे। मेरा नाम है नवनीत और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज मैं जाने वाला हूँ उदयपुर के फील्ड क्लब स्टेडियम में। तो देरी किस बात की, चलो ब्लॉग को शुरू किया जाए। नीचे हमारी बस खड़ी है, नाश्ता मैं कर चुका हूँ इसलिए भाई मैंने सोचा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज निकलते हैं सीधा स्टेडियम के लिए। तो भाई स्टेडियम पे हम यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अभी प्लेयर्स जो है वो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। एक घंटे में यहाँ करीब करीब मैच स्टार्ट हो जाएगा। एक टीम यहाँ पर है जो स्ट्रेचिंग्स वगैरह कर रही है, दूसरी टीम यहाँ है जो भी तैयारी में है। बस एक घंटे की बात है और मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 9:30 हमारा मैच स्टार्ट हो जाता है और मैं आराम से सोफे पर बैठकर मैच देखने लग जाता हूँ, वो भी चाय के ग्लास के साथ, जिसके भाई अपने अलग ही मजे हैं। तभी कैटरिंग वाले भैया मुझे खाने का बॉक्स देकर चले जाते हैं, लेकिन भाई मेरा पेट यहाँ पूरा भरा हुआ था इसलिए ये खाने का डब्बा मैंने यहाँ के माली भैया को दे दिया जो कि इसी रिजॉर्ट में काम करते हैं। तभी मैच के दौरान एक इंसिडेंट हो जाता है जिसमें कि एक प्लेयर का अंगूठा डिसलोकेट हो चुका था, लेकिन इस प्लेयर की भी दाद देनी पड़ेगी कि भाई इसने अपने मुड़े हुए अंगूठे को भाई साहब अपने हाथों से खींचकर वापस से अपनी जगह पर लेकर आ गया। लेकिन हमारा काम तो यहाँ पर ट्रीट करने का था ही, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी टेपिंग कर देता हूँ और उसे थोड़ा आराम करने को कहा। लेकिन भाई के चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं थी, बल्कि ये तो हंस रहा था, लग ही नहीं रहा था कि इसे कुछ हुआ भी है। तो प्लेयर को ट्रीटमेंट देकर और अपने प्रोटोकॉल को अच्छे से फॉलो करके मैं वापस आ जाता हूँ। तो भाई अभी मैं वहाँ से ना आ गया था, पीछे एक रिजॉर्ट है वहाँ बात करने के लिए, क्योंकि अभी हमारा प्लान बन रहा है एक महीने के बाद ना इधर ही आने का घूमने के लिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है पता कर लिया जाए कि भाई क्या है यहाँ के चार्जेस, रिजॉर्ट वगैरह के क्या खर्चे हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये रिजॉर्ट है एक्चुअली, और इस रिजॉर्ट के सामने स्टेडियम भी है, ये देख रहे हो, ये सारा ये टोटल रिजॉर्ट है। काफी यार सही रिजॉर्ट बना रखा है इन्होंने। लेकिन भाई दिक्कत की बात यह है कि ये जो रिजॉर्ट है ना, इसको आप नॉर्मल बुकिंग नहीं करा सकते हो। जो यहाँ पर मेंबर्स होते हैं, पता नहीं क्या है यहाँ पर, किस क्लब के मेंबर हो, यहाँ पर ये पूछ रहे थे मेरे से। तो जो लोग क्लब के मेंबर होते हैं ना यहाँ पर, केवल उनके लिए ही यहाँ पर ये स्टे वगैरह रोकने का होता है। और रिजॉर्ट के हिसाब से भाई काफी सस्ता यार था यहाँ पर, मतलब कि एक कमरे का एक दिन का आपको 2200 रुपए केवल देने पड़ते हैं। तो यार ये चीज मेरे को बड़ा सही सा लगा यहाँ पर। बाकी चलो चलते हैं प्लेयर्स के पास फिर से। तो फिर मैं आकर बैठ जाता हूँ गुजरात की टीम के साथ। वैसे तो इनकी भाषा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। हाँ बस दो चीजें समझ में आ रही थी, ये कब गुस्सा हो रहे हैं और कब ये खुश है। बाकी उस तरफ पंजाब की टीम बैठी है और पंजाब कर रही है अभी फील्डिंग। तभी गुजरात का एक बैट्समैन आउट हो जाता है और जब वो वापस आता है तो उसका कोच उसे गालियां दे रहा होता है, वो भी गुजरातियों में, जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होता है। तभी पंजाब के कुछ प्लेयर मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं, मैं उन्हें ट्रीट करता हूं और देखते देखते फिर और भी प्लेयर्स आ जाते हैं, मैं उन्हें भी ट्रीट करने लग जाता हूं। फिर थोड़ी देर में यहां पर इनिंग ओवर हो जाता है और तब तक हमारा लंच भी आ चुका था, तो हम सभी लंच करने चले जाते हैं। और भाई यहां पर खाना खाने का टाइम हो चुका है और दोपहर हो चुका हुआ है और हमने यहां ले लिया यहां पर खाना। चलते हैं फटाफट से ऊपर बैठकर आराम से खाएंगे। यार वैसे जगह बहुत बढ़िया है ये देखो खाने के लिए, तो चलो यहीं बैठ जाते हैं। तो दिखाता हूँ जी क्या क्या मिला है हमें यहाँ पर। ये रहा पानी, ये रहा रोटी, और ये रही मेरी दादाजी की घड़ी, और ये खुल गया जी अपना लंच। तो इसमें मैं मिला यहाँ पर चावल, दाल, मेरे भाई दलिया, और ये भिंडी की सब्जी, चलो ये तो अच्छा है, और ये है टमाटर। लंच हमारा यहाँ पर हो गया है और अभी यहाँ पर एक जो गेम था ना वो खत्म हो चुका है, अब दूसरा स्टार्ट होगा, दिखाता हूँ आपको। तो अभी यहाँ पर ना गुजरात और हैदराबाद के बीच में मैच था जिसमें हैदराबाद जीत चुकी, जिनको अभी प्राइज मनी मिले हैं अभी यहाँ पर। और अब यहाँ पर ना दूसरा मैच यहाँ शुरू होने वाला है जो होगा पंजाब, और दूसरा नहीं पता कि यार कौन सी टीम आई है, अभी भी जस्ट आई है वो टीम ना। तो हमने यहाँ पर लंच कर लिया है और अब चलते हैं नीचे। तो अभी हम खेलेंगे इस बच्चे के साथ वो बॉटल फ्लिप वाला गेम, चलो स्टार्ट करें फिर से। अरे नहीं हुआ, चल तेरी बारी। अगर जीतेगा तो 50 रुपए दूंगा यही, नहीं सही है। अरे यार बच्चा बड़ा ईमानदार निकला ये तो, इस बार तो पक्का करना है ठीक है चल। और तू तो बड़ा खिलाड़ी आदमी है, कैसे किया तूने ये बता। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक मैं देख करूंगा इस बार, और ऊपर अब ठीक है। ओए होए क्या बात है लड़की, यार तू तो टैलेंटेड है, चल मैं आखिरी बार मैं ट्राई करूंगा। ओह हो गया फाइनली। नाम क्या है आपका? दक्ष। ओके भाई इस बच्चे का नाम है दक्ष सिंह, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, बता किस क्लास में हो? फोर्थ। नाइस यार बहुत क्यूट बच्चा है ये, चलो बाकी देखो कमेंट्री किस तरीके से होती है वो आप यहाँ देख सकते हो।
तो भाई अपना खत्म हो चुका है यहाँ पर मैच और पीछे चल रही है फाइनल। वो जो विनर टीम है उसको भी कैश प्राइजेस हैं वो दी जाएंगी। ये देख लो यहाँ पर ये चल रहा है ना, ये फाइनल अभी जो विनर टीम है पंजाब वर्सेस उड़ीसा, और उड़ीसा शायद यहाँ पर जीत चुकी है और उड़ीसा को मिलेगा यहाँ पर अभी मैन ऑफ द मैच का प्राइज। तो ये मिल रहा है भाई इनको 11,000 रुपए का चेक, जो मतलब मैन ऑफ द मैच रहा। ये सामने मीडिया वाली टीम है। इसी के बाद मुझे पूरे टीम के साथ फोटो सेशन के लिए बुला लिया जाता है, जो कि आप यहाँ पर सामने देख ही सकते हैं। और अब यहाँ से चला जाए तो जहाँ पर हम रुके हुए हैं ना वहाँ पर हम आ चुके हैं। और अपना भाई खाना खाने के लिए मांगे भाई डायरेक्टली आते हुए, क्योंकि भाई भूख लग गई थी हमें बहुत ही ज्यादा। और ये देखो भाई खाने में क्या क्या है, दाल जो हमने ज्यादा खाई नहीं, सब्जी मैं दोबारा लेकर आया था वो भी मन नहीं है खाने का, दो रोटी भाई खा चुके हैं हम। और आज के व्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट दिन, अगले दिन मिलते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। बाय बाय।